आज सवाल यह है कि इन बेटियों को क्या इतना मजबूर, आपने क्यों इतना मजबूर कर दिया कि अपने मेडल बहाने को तैयार हैं? 5 दिन का वक्त टिकैत जी ने उनसे लिया है, उनको मेडल सौंप दिए हैं। क्या सरकार 5 दिन में चेतेगी? क्या सरकार 5 दिन में न्याय की गुहार करती हुई बेटियों की बात सुनेगी? क्योंकि इतना सड़ चुका है सरकार का जमीर कि उसमें से बदबू आने लगी है। आज सच यह है कि जिन लोगों को बेटी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए वो लड़कियों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, वो इनके इतने बड़े कीर्तिमानों पर सवाल उठा रहे हैं, वो इन्हीं को अपशब्द कह रहे हैं। आज मीडिया चुप है, कब तक चुप रहिएगा आप? कब तक चीयर लीडर बनाकर 9 साल की खुशी मनाते रहिएगा? और आज जो भी चुप है, याद रखिएगा तटस्थ रहने का समय नहीं है, क्योंकि समय आपके भी अपराध लिखेगा। संस्थाएं हैं इस देश में, पॉक्सो का आरोप लगा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन एनसीपीसीआर की तरफ से एक शब्द, एक कार्रवाई, एक चिट्ठी न सरकार को न इलेक्शन कमीशन को। आप तो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप खोलने के लिए नहीं। पॉक्सो जैसा गंभीर आरोप लगा है, महिलाओं ने, इस देश की बेटियों ने शोषण का आरोप लगाया है, और एनसीडब्ल्यू जो रह रहकर चिट्ठी बांटता है, रेखा वर्मा जी को सुधी नहीं है, 1 महीने से ऊपर हो गया ये बेटियां बैठी थी। तो आज सवाल ये जरूर पूछना पड़ेगा कि भाजपा की निरंकुशता, मोदी जी का संरक्षण, और मैं ये डंके की चोट पर कह रही हूं, बेटियों के अत्याचारी, उनके दुष्कर्मी पर प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण है। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं होता तो वो इन बेटियों को दिलासा देते, विश्वास देते, न्याय का की गुहार लगा रही है ये।